हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक तो आज के हम इस वीडियो में 8, workbook, 1, part 3. Part 3 कर रहे हैं क्लास एट्थ साइंस की वर्कबुक चैप्टर नंबर वन क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट का पार्ट थ्री पार्ट थ्री में हम लोग कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर एट से एक्सप्लेन गिविंग साइंटिफिक रीजन टू मार्क के फर्स्ट नंबर मॉडर्न एग्रीकल्चरल इंप्लीमेंट्स शुड बी यूज इन एग्रीकल्चर आंसर है मॉडर्न एग्रीकल्चरल इंप्लीमेंट्स कैन डू वर्क फास्टर देन अदर द ट्रेडिशनल इम्प्लीमेंट्स these implements can do work easy and the crop production is more in quality these are really good and useful implements to farmer so modern agricultural implements to farmer so modern agricultural implements should be used in agriculture question number 2 earthworm are called friends of farmer earthworm inhabit the soil of the field they make the soil upside down and the soil becomes soft they excreted a waste of earthworms are being added into the form of the humans in the soil. Humus in the soil. The humid substances are added by different irrigation of dead bodies. The soil fertility increase due to it. So earthworms are called friends of farmer. Question number three the soil should be ploughed. So, because due to plough, to the top soil moves down and bottom part of soil becomes overcome and fertile in nature which helps to farmer or for irrigation due to ploughing the soil become porous which means oxygen is present in large quality question number 4 rotation of crop should be done so, to maintain the soil fertility in nature to improve the fertile nature of soil, insects are do not affect on crop effect field to cannot of the harmful pest of the crops. Five number. यूज ऑफ फर्टिलाइजर शुड बी यूज आंसर है बिकॉज फर्टिलाइजर्स आर मेड इन इंडस्ट्रीज इट इज़ मेड अप बाय केमिकल सब्सटेंस दैमिकल विच इज़ वेरी हार्मुल टू अस एंड ऑल्सो टू आवर एनवायरमेंट इट स्प्रेड सॉयल पॉल्यूशन वाटर पॉल्यूशन एंड मोर डेंजर टू एक्वेटिक लाइफ क्वेश्चन नंबर नाइन है जिसमें आपको डिफरेंस देना है टू टू पॉइंट के डिफरेंस आपको देना है फर्स्ट है आपका मैनोर और फर्टिलाइजर के बारे में तो फर्स्ट पॉइंट इट कैन बी प्रिपेयर्ड इन दील्ड और फर्टिलाइजर इट इज प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज इट प्रोवाइड लोड्स ऑफ ह्यूमस ह्यूम सॉइल और इट डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस इन टू दॉयल ठीक है सेकेंड है ड्रिप सिस्टम और स्प्रिंकलर सिस्टम के ऊपर देना है drop drop raining, तो वॉटर फॉल ड्रॉप बाय ड्रॉप जस्ट एट पोजीशन ऑफ द रूट्स इज कॉल्ड ड्रिप सिस्टम वॉटर स्प्रिंकलर ऑन द क्रॉप एज इट इज रेनिंग तो स्प्रिंकलर सिस्टम वाटर इज नॉट वेस्टेड एट ऑल वेस्टेज ऑफ वॉटर इज नेग्लिगलेबल क्वेश्चन नंबर टेन में आपको क्लासिफाई करना है फर्स्ट नंबर क्लासीफाई द फॉलोविंग रवि क्रॉप्स एंड खरीफ क्रॉप्स यहाँ पे आपको रवि क्रॉप्स और खरीफ क्रॉप को क्लासीफाई करना है सबसे पहले आपको इसमें से देखना है रबी क्रॉप्स कौन सा है और इसके बाद आपको देखना है खरीफ क्रॉप कौन सा है सबसे पहले हमें बता दूँ इसमें रवि क्रॉप है वीट इसके बाद मस्टर्ड ग्राम पी और खरीफ क्रॉप में आएगा ग्राउंडनट मच पेड़ी और सोयाबीन क्वेश्चन नंबर टू में आपको मैन्यर और फर्टिलाइजर का क्लासीफाई करना है तो मेन्योर में आएगा कंपोस्ट मैन्योर डंग मैन्योर ऑयल सीड मेन्योर ग्रीन ग्रीन मैन्योर ठीक है देन फर्टिलाइजर में आएगा यूरिया अमोनियम सल्फेट डायमोनियम फोस्फेट जिसको डी ए पी ठीक है एंड डी के फर्टिलाइजर क्वेश्चन नंबर इलेवन मैच दी फॉलोइंग प्रॉपरली फर्स्ट नंबर है आप लोग का खरीफ क्रॉप खरीफ क्रॉप का आपका ऑप्शन आएगा बी पैडी और मेज जो है खरीफ क्रॉप रबी क्रॉप रबी क्रॉप में आएगा वीट ग्राम पी ये जो है वो आपका रबी क्रॉप है फर्टिलाइजर्स फर्टिलाइजर्स क्या आपका यूरिया और यूरिया और सल्फर फोस्फेट ये आपका फर्टिलाइजर्स में आएगा ऑर्गेनिक मेन्योर में आएगा आप लोग का एनिमल एक्सक्रीटा काउडंग यूरिन एंड प्लांट वेस्ट फर्स्ट में आएगा आप लोग का बी सेकेंड में डी थर्ड में ई फोर्थ में सी सेकेंड है आप लोग का वीड्स में आपका आएगा फोर खुरपी हार्वेस्टिंग हार्वेस्टिंग में आपका आएगा सीकर इरिगेशन इरिगेशन का आएगा आप लोग का राहत और सोविंग सोविंग का आएगा आपका सीड ड्रिल क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व आंसर फॉलोइंग क्वेश्चन इन डिटेल फर्स्ट नंबर वॉट वॉट इज इरीगेशन इरीगेशन क्या होता है डिस्क्राइब टू मेथड ऑफ इरीगेशन हमको इरीगेशन के दो मैथड्स बताने हैं विच कंजर्व वॉटर सप्लाई ऑफ वॉटर टू क्रॉप एट डिफरेंट इंटरवल्स इज कॉल इरीगेशन वेरियस सिस्टम ऑफ द इरीगेशन आर फर्स्ट लोग का ट्रेडिशनल मैथड ट्रेडिशनल मैथड में आता है दॉटर अवेलेबल इन वेल लेक कैनाल लिफ्टेड अपने मोट इसमें भी आएंगे मोट चैन पंप तीसरा आएगा आपका ढोलकी राहत ठीक है ये आपके चार सिस्टम से आप अलग अलग तरह से आप इनमें से पानी निकाल सकते हैं और अब आता है सेकंड नंबर मॉडर्न ट्रेडिशनल मॉडर्न ट्रेडिशनल मतलब जो अभी के जमाने में यूज होता है स्प्रिंकलर सिस्टम और डिलीप सिस्टम दिस सिस्टम इज मोर यूजफुल ऑन ऑन इवन लैंड परपेंडिकुलर पाइप्स हैविंग रोटेटिंग नोजल्स ऑन टेप Are joined to the main pipelines at, at irregular sorry regular interval. When water flow through main pipe, it gets sprinkled on the crops as it is raining. Deep system, in this system, water falls drop by drop up just at the position of the roots. It is the best technique for watering fruits, plants, garden, and trees. सेकेंड लोग का वॉट राइट राइट अ शॉर्ट नॉट ऑन हार्वेस्टिंग तो हार्वेस्टिंग मीन्स टू कटिंग द क्रॉप फील्ड आफ्टर मैच्योर द क्रॉप प्लांट्स इज नोन एज हार्वेस्टिंग इट इज अप इट इज एन इंपॉर्टेंट फंक्शन थर्ड पॉइंट इन हार्वेस्टिंग क्रॉप आर पुल्ड आउट और कट क्लोज टू द ग्राउंड इट इज यूजअली टैक इट इज यूजअली टैक्स थ्री टू फोर मंथ फॉर दीरियल क्रॉप्स टू मैच्योर In our country, harvesting is either done manually by sickle or by machine called harvester. In the harvester crop, the grain seed need to, the, to be separated from the chaff. This process is called threshing. This is carried out with the help of medicine called combine, which is in fact a harvester as well as thresher. Okay. तो यहाँ पे ये आपका पूरा चैप्टर खत्म होता है तो अगर आपको हमारे वीडियो पसंद है इसे लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए शेयर कीजिए मित्र मैं जय हिंद जय जै भारत